हेलो फ्रेंड्स एंड वेलकम टू माय चैनल दीप कंप्यूटर एजुकेशन। फ्रेंड्स, प्रीवियस क्लास में मैंने आपको फॉन्ट फॉर्मेटिंग के बारे में सिखाया था और आज की क्लास में मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिखाने वाली हूं। सो आइए चलते हैं, स्टार्ट करते हैं क्लास। मैं ये वर्ड ओपन करने वाली हूँ फ्रेंड्स। ये देखिए मेरा वर्ड ओपन हो रहा है। ये ब्लैंक डॉक्यूमेंट मैं लूँगी। ये देखिए ये मेरा वर्ड ओपन हो गया। सो होम टैब में आज पैराग्राफ फॉर्मेटिंग सिखाने से पहले मैं आपको सुपरस्क्रिप्ट और सबस्क्रिप्ट के बारे में बताने वाली हूँ। सो सुपरस्क्रिप्ट क्या होता है मेरा, ये देखिए। फॉर एग्जांपल मुझे मैथमेटिकल टर्म 2x² लिखना है तो वो मैं कैसे लिख सकती हूँ, आइए देखते हैं। ये देखिए, सो 2x, अब मुझे स्क्वायर लिखना है। सो मुझे अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट मेरा कर्सर चाहिए। सो मैं सुपरस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए, एंड से स्क्वायर टाइप करूंगी। ये देखिए सुपरस्क्रिप्ट की मदद से मैंने टैग 2x की स्क्वायर ये मैंने लिख दिया है। सो अबव द लाइन ऑफ टेक्स्ट ये शो हो रहा है मेरा। इसकी शॉर्टकट की भी होती है कंट्रोल शिफ्ट प्लस। अब मैं इसको हटा देती हूँ। अब मुझे फॉर एग्जाम्पल लिखना है मुझे H2O। सो H2O मैं सबस्क्रिप्ट की मदद से लिख सकती हूँ क्योंकि बिलो द लाइन ऑफ टेक्स्ट की मुझे इसमें नीड होती है। सो H, अब मुझे 2 लिखना है बिलो द लाइन। सो मैं सबस्क्रिप्ट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए 2, एंड देन मैं इसको हटाऊंगी, देन O, ये देखिए। सो H2O मैं सबस्क्रिप्ट की मदद से लिख पाई और सुपरस्क्रिप्ट की मदद से मैं ये 2x² लिख पाई। सो इस स्टेप से आप सुपरस्क्रिप्ट एंड सबस्क्रिप्ट की मदद लेके ये ऐसी टर्म्स को लिख सकते हैं। अब मैं आपको पैराग्राफ फॉर्मेटिंग स्टार्ट करती हूँ। पैराग्राफ फॉर्मेटिंग में फ्रेंड सबसे पहले आपको बुलेटेड लिस्ट में बनाना सिखाऊंगी। आप बुलेटेड लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं सो आप किस स्टेप से कर सकते हैं, ये देखिए मैंने बुलेटेड लिस्ट लिया, उसमें मैंने कोई भी बुलेट लिया, ये देखिए मैंने राइट का बुलेट ले लिया, ये देखिए। अब मैं इसमें कुछ कंप्यूटर और उसके पार्ट्स टाइप करना चाहती हूँ, ये देखिए कंप्यूटर, प्रिंटर, माउस, कीबोर्ड। सो इस टाइप से आप अपने बुलेटेड लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। और आप नंबर लिस्ट चाहते हैं सो ये मेरा कर्सर शो हो रहा है यहाँ पे, ये देखिए क्रिएट अ नंबर लिस्ट। सो इसकी मदद से आप नंबर लिस्ट भी क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए 1, 2, 3, 4 में चेंज हो गया, ABC में चेंज हो गया, या आप इसको रोमन फॉर्मेट में भी लिख सकते हैं। ये देखिए ये थी मेरी बुलेटेड लिस्ट। इसके अलावा फ्रेंड्स आप अगर मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट करना चाहते हैं सो वो आप क्रिएट कर सकते हैं। ये देखिए कुछ इसमें लिस्ट लाइब्रेरी है मेरी, इसकी मदद से भी आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। या फिर अगर आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट खुद डिफाइन करना चाहते हैं तो वो भी आप कर सकते हैं। ये देखिए जैसे मैं आपको आज मल्टी लेवल लिस्ट डिफाइन कैसे करते हैं वो सिखाऊंगी। ये मैं मल्टी लेवल लिस्ट पे क्लिक करूंगी, ये देखिए। अब मैं इसके लेवल को मॉडिफाई करूंगी, देखिए ये मैंने फर्स्ट लेवल पे क्लिक किया। सो फर्स्ट लेवल पे मैं कौन सा फॉर्मेट चाहती हूँ या नंबर स्टाइल चाहती हूँ वो मैं सिलेक्ट करूंगी। जैसे मैं ABC चाहती हूँ फर्स्ट में, ये देखिए मेरा ABC शो हो गया। सेकंड लेवल पे मैं 1, 2, 3 फॉर्मेट चाहती हूँ, ये देखिए ये मेरा 1, 2, 3 फॉर्मेट आ गया सेकंड लेवल पे। थर्ड लेवल पे मैं चाहती हूँ कोई बुलेट आ जाए मेरा, जैसे मैंने आपको पहले सिखाया था, ये देखिए इस टाइप से मेरा कोई बुलेट आ जाए। सो मेरे 3 लेवल मैंने डिफाइन कर दिए। फर्स्ट लेवल पे मैं फिर से जाऊंगी और इसको मैं ओके कर दूंगी, ये देखिए ये मेरा एश हो गया इसमें। सो इसमें मैं टाइप करना चाहती हूँ कुछ स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, ये देखिए स्पोर्टिंग इक्विपमेंट्स, ये देखिए मैंने एंटर किया तो मेरा ये बी आ गया। मैं इसमें टैप प्रेस करूंगी तो ये फॉरवर्ड चलेगा लेवल्स पे, ये देखिए फर्स्ट ये मेरा सेकंड लेवल आ चुका है। मैं इसमें चाहती हूँ बेसबॉल, बेसबॉल, ये देखिए एंटर करूंगी तो इसका सेकंड लेवल में मेरा सेकंड पॉइंट आ गया। बट मैं चाहती हूँ उसका नेक्स्ट लेवल, मैं टैप प्रेस करूंगी इसमें। अब मैं चाहती हूँ इसमें बेसबॉल ग्लोव, ये
एंड बेसबॉल एंड बैट्स। सो देखिए इस टाइप से आप अपनी मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। इसमें आप डिफरेंट लेवल देना चाहते हैं, सो आप एंटर के थ्रू करेंगे तो ये बुलेट्स आएंगे। और अगर आपको बैकवर्ड जाना है इसमें लेवल्स में, यानी कि आपको ये थर्ड लेवल पे हूँ मैं, अगर आपको सेकंड लेवल पे जाना है सो मैं शिफ्ट टैब की मदद से जा सकती है। देखिए मेरा सेकंड लेवल आ गया। अगर मेरे को दोबारा फर्स्ट लेवल पे जाना है तो मैं फिर से शिफ्ट टैब प्रेस करूँगी, सो ये मेरा फर्स्ट लेवल पे चला गया। सो इस टैब से फ्रेंड्स आप मल्टी लेवल लिस्ट क्रिएट कर सकते हैं। अब आगे बढ़ते हैं। ये थी हमारी सिंपल लिस्ट हम क्रिएट करते हैं, बुलेट की नंबरिंग लिस्ट और मल्टी लेवल लिस्ट। अब मैं आपको सिखाने वाली हूँ दैट अलाइनमेंट, आप एक पैराग्राफ की अलाइनमेंट कैसे कर सकते हैं। तो इसके लिए हम एक पैराग्राफ ले लेते हैं, रैंड कमांड ले लेंगे, इक्वल रैंड। मैं चाहती हूँ उसके एक पैराग्राफ आए, तो ये देखिए एक पैराग्राफ आ गया मेरा, एंटर प्रेस करूंगी। सो देखिए इस टाइप से मेरा एक पैराग्राफ आ गया रैंड कमांड के थ्रू। अब मैं इसको सिलेक्ट करूंगी फुल, ये देखिए मैंने इसे सिलेक्ट कर लिया। अभी मेरा लेफ्ट अलाइन है, लेफ्ट अलाइन का मतलब होता है अलाइन योर कंटेंट विद द लेफ्ट मार्जिन। सो मेरा अभी अलाइन हुआ है लेफ्ट मार्जिन की ओर, ये देखिए मैं चाहती हूँ ये सेंटर अलाइन हो जाए, जैसे कि सेंटर योर कंटेंट ऑन द पेज। तो मैं सेंटर लाइन पे क्लिक करूंगी, ये देखिए ये मेरा सेंटर अलाइन हो गया। अब ये पेज के एकदम मिडिल में शो हो रहा है, तो ये मेरा सेंटर अलाइनमेंट है जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस ई। अब मैं चाहती हूँ ये राइट अलाइन हो जाए, यानी कि अलाइन कंटेंट विद द राइट मार्जिन। सो राइट मार्जिन की ओर ये कंटेंट मेरा अलाइन हो जाए, सो मैं इस पर क्लिक करूंगी, सो ये राइट अलाइन हो गया मेरा। ये देखिए इसकी शॉर्टकट की कंट्रोल प्लस आर। अब मैं चाहती हूँ ये जस्टिफाई हो जाए, डिस्ट्रीब्यूट योर टेक्स्ट इवनली बिटवीन द मार्जिन्स, ये मैं जस्टिफाई पे क्लिक कर रही हूँ। ये देखिए ये आपका ये जो मेरा कंटेंट है वह इवनली डिस्ट्रीब्यूट हो गया लेफ्ट अलाइन और राइट अलाइन की ओर। सो इस टाइप से जस्टिफाई कर सकते हैं, जिसकी शॉर्टकट की है कंट्रोल प्लस जे। ओके, सो इस टाइप से अलाइनमेंट होती है। इसके अलावा मैं इंडेंट इंक्रीज और डिक्रीज भी कर सकती हूँ पैराग्राफ का। देखिए डिक्रीज इंडेंट मूव योर पैराग्राफ क्लोजर टू द मार्जिन, एंड इंक्रीज इंडेंट मूव योर पैराग्राफ फर्दर अवे फ्रॉम द मार्जिन। सो ये मैंने सिलेक्ट किया पैराग्राफ, ये देखिए मैंने लेफ्ट अलाइन कर दिया इसको फिलहाल। अब मैं इसका इंडेंट इंक्रीज करना चाहती हूँ, यानी कि मेरे मार्जिन से फर्दर जाए, थोड़ा मतलब इंक्रीज हो जाए। सो ये देखिए, ये देखिए ये मेरे मार्जिन से जो है वो अवे जा रहा है, यानी कि दूर जा रहा है। सो इस टाइप से इंक्रीज इंडेंट होता है। डिक्रीज इंडेंट ये मेरे मार्जिन के क्लोजर आएगा, यानी कि मेरा लेफ्ट अलाइनमेंट है तो इस मार्जिन के क्लोज आ जाएगा, डिक्रीज हो जाएगा। यानी ये देखिए ये मेरा डिक्रीज इंडेंट हो गया। सो इस टाइप से इस पैराग्राफ में इंक्रीज या डिक्रीज इंडेंट हम कर सकते हैं। या फिर मैं इस पैराग्राफ को, ये देखिए शेडिंग के थ्रू मैं इसको कलर कोई देना चाहती हूँ। देखिए चेंज द कलर बिहाइंड द सिलेक्टेड टेक्स्ट पैराग्राफ और टेबल सेल। सो मैं इसको कोई भी कलर देना चाहती हूँ, ब्लू, ऑरेंज या फिर कोई भी कलर, ग्रीन। इस टाइप से मैं इसमें कलर कोई भी दे सकती हूँ। अब मैं आपको लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग के बारे में बताती हूँ। सो देखिए ये मेरा कर्सर शो हो रहा है, ये देखिए लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग। सो चूज हाउ मच स्पेस अपीयर्स बिटवीन लाइंस ऑफ टेक्स्ट और बिटवीन पैराग्राफ। सो इसमें आप लाइंस और पैराग्राफ में स्पेस दे सकते हैं, ये देखिए। सो ये देखिए मैं लाइंस में कुछ स्पेस देना चाहती हूँ, 1.15। सो इस टाइप से मैं लाइंस में स्पेस इसकी मदद से दे सकती हूँ। इसमें लाइन स्पेसिंग ऑप्शंस भी हैं, इसके थ्रू मैं दिखा सकती हूँ आपको। ये देखिए इंडेंट्स एंड स्पेसिंग। सो इंडेंट्स एंड स्पेसिंग में स्पेशल में आपके पास दो ऑप्शन अवेलेबल हैं, फर्स्ट लाइन और हैंगिंग। फर्स्ट लाइन इंडेंट का मतलब होता है फ्रेंड्स, इंडेंट्स जस्ट द फर्स्ट लाइन ऑफ अ पैराग्राफ अ स्पेसिफाइड अमाउंट लिविंग ऑल अदर्स लाइन्स इन द पैराग्राफ अलोन। सो आपकी फर्स्ट लाइन इंडेंट होती है, यानी कि थोड़ा सा चेंज होती है, लिविंग ऑल अदर लाइन जो है आपकी वो अलोन रहती हैं, सेम रहती हैं। सो मैं फर्स्ट लाइन आपको करके दिखाती हूँ, फर्स्ट लाइन, एंड इसका मैं साइज थोड़ा इंक्रीज कर देती हूँ। अब मैं इसको ओके करती हूँ। सो ये देखिए ये फर्स्ट लाइन मेरी थोड़ी सी इंडेंट हो गई है, यानी कि ये थोड़ा आगे बढ़ गई है, और मेरी ऑल अदर लाइन जो है वो अलोन है, ये देखिए। सो इस टाइप से मैं इस पर इंडेंट कर सकती हूँ। इसके अलावा और भी इसमें ऑप्शंस अवेलेबल हैं,
हैंगिंग। हैंगिंग क्या होता है फ्रेंड्स? इंडेंट्स ऑल द लाइंस ऑफ अ पैराग्राफ अ स्पेसिफाइड डिस्टेंस फ्रॉम द लेफ्ट मार्जिन एक्सेप्ट द फर्स्ट लाइन। सो आपकी ऑल अदर लाइन जो है फर्स्ट लाइन के अलावा इंडेंट हो जाती है और फर्स्ट लाइन आपकी अलोन हैंगिंग रहती है। सो इस स्टेप से मैं कर सकती हूँ, इसको ओके कराती हूँ। ये देखिए, सो ऑल अदर लाइन मेरी अलोन है और मेरी फर्स्ट लाइन जो है वो हैंगिंग हो गई है। सो इस स्टेप से आप इसे हैंगिंग करा सकते हैं। अब मैं इसको हैंगिंग को मैं नील कराना चाहती हूँ, मैं दोबारा जाऊंगी इस ऑप्शन पे एंड देन नन करा दूंगी। सो ये देखिए ओके करूंगी, ये देखिए ये मेरा नन हो गया। इसके अलावा मैं चाहती हूँ इसमें रेंड कमांड के थ्रू मेरा एक पैराग्राफ और आ जाए। ये देखिए मेरा एक पैराग्राफ और आ गया है। इस टैब से कंट्रोल ए, मैंने ऑल सिलेक्ट कर लिया। ये देखिए अब स्पेसिंग ऑप्शंस में मैं थोड़ा इसका बिफोर स्पेस थोड़ा बढ़ाना चाहती हूँ, ओके। और इसका आफ्टर भी मैं स्पेस थोड़ा 6 पे करना चाहती हूँ। ये देखिए लाइन स्पेसिंग डबल कराना चाहती हूँ और ओके। सो देखिए डबल लाइन स्पेसिंग में मेरा ये इसने स्पेस भी दे दिया, पर मेरा पैराग्राफ के बाद भी स्पेस आ गया। सो इस टाइप से आप कोई भी ऑप्शन इसमें यूज करके अपनी पैराग्राफ को फॉर्मेट कर सकते हैं। इसके अलावा आप पैराग्राफ से पहले कोई स्पेस है वो रिमूव करना चाहते हैं वो भी रिमूव कर सकते हैं, या आफ्टर स्पेस को रिमूव करना चाहते हैं वो भी आप इसमें कर सकते हैं, ओके। अब मैं इसको 1.0 स्पेस पे कर देती हूँ। ये देखिए, सो ये था मेरा लाइन एंड पैराग्राफ स्पेसिंग, ओके। ये मैं आपका ये वाला पैराग्राफ हटा देती हूँ। बॉर्डर्स एंड शेडिंग के बारे में मैं आपको बताती हूँ। मैं चाहती हूँ ये मेरे पैराग्राफ में कुछ बॉर्डर्स आ जाएं, सो ये मैं कैसे कर सकती हूँ? देखिए ये मेरा स्क्रीन के थ्रू शो हो रहा है। ये देखिए बॉर्डर्स, ऐड और रिमूव बॉर्डर्स फ्रॉम योर सिलेक्शन। आप ऐड भी कर सकते हैं और रिमूव भी कर सकते हैं अपने सिलेक्शन से बॉर्डर्स को। सो इसमें बहुत सारे ऑप्शन अवेलेबल हैं, जैसे कि मैं बॉटम बॉर्डर चाहती हूँ, टॉप बॉर्डर चाहती हूँ, लेफ्ट राइट। सो आप डिफरेंट टाइप से इसमें ऑल बॉर्डर्स, ये देखिए पूरा मेरा बॉक्स में शो हो गया ये। सो इस टाइप से आप इसमें बॉर्डर्स लगा सकते हैं। इसके अलावा ये बॉर्डर्स एंड शेडिंग से इसमें ऑप्शंस अवेलेबल है, इसके थ्रू आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स लगा सकते हैं। ये मेरा पैराग्राफ पे अप्लाई होते हैं बॉर्डर्स में। ये देखिए इसमें डिफरेंट टाइप्स ऑफ डिजाइन अवेलेबल हैं, ये देखिए। सो इस टाइप से मैं बॉर्डर चाहती हूँ, बॉक्स ले रखा है मैंने, या शेडो इफेक्ट। आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ इफेक्ट्स जैसे कि नन, बॉक्स, शेडो इफेक्ट में देखिए कैसा दिखेगा। जैसे मेरी स्क्रीन पे शो हो रहा है इस टाइप से कुछ दिखेगा, 3D इफेक्ट में कुछ इस टाइप से दिखेगा, कस्टम में ये कुछ इस टाइप से दिखेगा। तो मैं चाहती हूँ बॉक्स में शो हो भी। सो ये देखिए मैं ओके कराऊंगी इसको। ये देखिए ये मेरा बॉक्स में बॉर्डर डिफरेंट डिजाइन का एक अवेलेबल हो गया है। So, इस टाइप से मैं बॉर्डर्स लगा सकती हूँ इसमें। मैं पेज बॉर्डर चाहती हूँ, ये था मेरा पैराग्राफ बॉर्डर जो कि डिफरेंट स्टाइल में पैराग्राफ पे अप्लाई होता है। मैं चाहती हूँ पेज पे, देखिए आप पूरे पेज पे भी अप्लाई करना चाहते हैं कोई भी बॉर्डर। सो इसमें भी वही ऑप्शंस हैं, बॉक्स, शेडो, 3D, कस्टम एंड डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स अवेलेबल हैं इसमें। ये देखिए मैं स्क्रॉलर के थ्रू आपको दिखा रही हूँ। सो इसमें आप डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स यूज कर सकते हैं, कलर यूज कर सकते हैं ऑटोमेटिक के थ्रू, और इसमें आप कोई भी आर्ट बॉर्डर लगाना चाहते हैं, यानी कि कोई भी आर्टिस्टिक बॉर्डर आप अपने पेज में यूज करना चाहते हैं सो वो भी आप यूज कर सकते हैं। ये देखिए जैसे कि मैं ये लगाना चाहती हूँ और इसका साइज विड्थ मैं चाहती हूँ थोड़ी कम हो जाए, इससे हम कम ज्यादा कर सकते हैं विड्थ से। और मैं अप्लाई करना चाहती हूँ इसे होल डॉक्यूमेंट पे, या आप इसे इसमें भी डिफरेंट टाइप्स ऑफ ऑप्शंस अवेलेबल हैं। मैं फर्स्ट पेज पे लगाना चाहती हूँ या ऑल पे लगे, फर्स्ट पेज पे ना लगे, तो मैं चाहती हूँ होल डॉक्यूमेंट पे लगे मेरा। सो अब मैं इसे ओके करा दूंगी। सो ये देखिए मेरा होल पेज पे ये एक पेज बॉर्डर मेरा आर्टिस्टिक बॉर्डर लग चुका है। सो इस टाइप से आप बॉर्डर शेडिंग का इस्तेमाल करके डिफरेंट टाइप्स ऑफ बॉर्डर्स इस्तेमाल कर सकते हैं। इस टाइप से आप कोई शेडिंग देना चाहते हैं अपने पैराग्राफ में सो आप शेडिंग भी दे सकते हैं। ये पैराग्राफ पे अप्लाई होता है आपका,
ये देखिए मैंने कोई कलर सिलेक्ट किया फॉर एग्जांपल, ये देखिए, ये देखिए 12.5% पे मैंने इसे कर दिया। अब मैंने इसे ओके करा दिया। सो ये देखिए, ये मेरा पैराग्राफ पे शेडिंग अप्लाई हो गई है। सो इस टाइप से हम पैराग्राफ में कोई भी शेडिंग, पेज बॉर्डर या पैराग्राफ पे कोई भी बॉर्डर हम लगा सकते हैं। ओके फ्रेंड्स, अब हम आगे बढ़ते हैं। अब हम सीखेंगे इस पैराग्राफ में हम शो या हाइड, यानी कि शो डिफरेंट मार्क्स जो हमारे हिडन फॉर्मेटिंग सिंबल्स होते हैं मेरे पैराग्राफ में, वो मैं कैसे देख सकती हूँ। सो मैं शो हाइड की मदद से इसे देख सकती हूँ। इसके शॉर्टकट की है Ctrl+Star। सो देखिए, ये मेरा पैराग्राफ है, मैंने मैंने शो या हाइड प्रेस किया, ये देखिए। सो जितनी भी मेरी हिडन फॉर्मेटिंग थी इसके थ्रू मेरी नजर आ रही है। ये देखिए, ये मेरा जो डॉटेड है, ये मेरा शो कर रहा है कि मैंने कितनी बार इसमें स्पेस प्रेस किया है। ये देखिए, ये मेरा स्पेस जो है वो शो कर रहा है डॉट, और ये मेरा पैराग्राफ एंड को शो कर रहा है, पैराग्राफ लाइन को, ये जो मेरा सिंबल है पैराग्राफ का। इसके अलावा मैं कोई इसमें टैब प्रेस करती हूँ, ये देखिए, ये देखिए। सो ये एरो मेरा टैब प्रेस कर रहा है। सो ये हिडन फॉर्मेटिंग जो भी है, ये शो या हाइड इसको दिखा देता है, हिडन फॉर्मेटिंग को। ओके, सो शो या हाइड की मदद से हम हिडन फॉर्मेटिंग दिखा सकते हैं अपने डॉक्यूमेंट में। सो ये एडवांस लेआउट टास्क में मेरा स्पेशली यूज होता है। ये मैं हटा दिया, ये मैंने एडवांस फॉर्मेटिंग को अपने पैराग्राफ में से हटा दिया। अब फ्रेंड्स, मैं आपको बताने वाली हूँ कि सॉर्टिंग कैसे कर सकते हैं हम। सॉर्टिंग मीन्स अरेंज द करेक्ट सिलेक्शन, अरेंज द करंट सिलेक्शन इन अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर। सो आप अब अपने सिलेक्शन को अल्फाबेटिकल और न्यूमेरिकल ऑर्डर में कैसे अरेंज कर सकते हैं, ये आप सॉर्टिंग की मदद से कर सकते हैं। ये स्पेशली यूजफुल होता है आपके डाटा को ऑर्गेनाइज करने के लिए, जो कि टेबल में आप बनाते हैं। सो मैं आपको एग्जांपल के थ्रू ये दिखाती हूँ। फॉर एग्जांपल, मैंने कुछ नेम्स लिखे हैं यहाँ पे, दीपक, नेक्स्ट नेम इज अंजलि, भारती, चारू। ये देखिए, फोर मैंने डिफरेंट टाइप्स ऑफ नेम्स लिए, डिफरेंट अल्फाबेट से स्टार्ट हो रहे हैं। अब मैं इसको सॉर्ट करना चाहती हूँ, ये मैंने इस पर प्रेस किया। मैं चाहती हूँ ये डिसेंडिंग ऑर्डर में आए मेरा। सो ये देखिए, मैंने डिसेंडिंग लिया एंड इसको मैंने ओके करा दिया। ये देखिए, ये मेरा डिसेंडिंग ऑर्डर में शो हो रहा है। देखिए, पहले मेरा डी अल्फाबेट वाला नेम शो हो रहा है, देन सी, देन बी एंड देन लास्ट में ए। सो ये मेरा डिसेंडिंग यानी कि घटते हुए क्रम में ये मेरा शो हो रहा है। अब मैं चाहती हूँ ये असेंडिंग ऑर्डर में हो जाए, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में हो जाए। सो मैं फिर से सॉर्टिंग पे जाऊंगी एंड असेंडिंग लूंगी एंड देन इसको मैं ओके करा दूंगी। ये देखिए, अब मेरा ए अल्फाबेट जो है वो सबसे ऊपर आ गया, बी, देन सी, चारू एंड देन दीपक। सो ये मेरा असेंडिंग ऑर्डर में हो गया, यानी कि बढ़ते हुए क्रम में, जैसे हम ABCD पढ़ते हैं, ठीक वैसे ही है ये। सो इस टाइप से हम सॉर्ट करा सकते हैं। सो ये मेरी सॉर्टिंग होती है, ये टेबल में यूजफुल होती है। सो फ्रेंड्स, आज की क्लास में सिर्फ इतना ही। नेक्स्ट क्लास में मैं आपको डिफरेंट टाइप्स ऑफ स्टाइल्स के बारे में बताना चाहूंगी, होम टैब में, एंड फाइंड रिप्लेस के बारे में भी हम सीखेंगे। सो प्लीज वॉच दिस वीडियो एट द एंड।